बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं जुबिन काजिम और आज मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसे इसेंशियल ऑयल्स की जिनको कंबाइन करके मैंने ये तीन जो है 30 ml की पैकिंग आप लोगों के लिए तैयार की है। मैंने तीन किस्म के ऑयल्स आपके लिए तैयार किए हैं। एक है ब्रीद इजी, एक है रिलैक्सेशन और एक है स्लीप एड। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी ब्रीद इजी की। जब ये पिछले दिनों डेंगू का सारा इशू अराइज किया, बहुत से लोग जो हैं वो परेशान भी थे, अपसेट भी थे, कुछ लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे थे, किसी को खांसी थी, किसी को जुकाम था, बहुत से प्रॉब्लम्स थे। जब इस किस्म के सारे मसाइल होते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि घर में, स्पेशली बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, घर वाले बहुत परेशान होते हैं। मुझे भी विंटर्स में अक्सर ऐसा होता है, बल्कि जब भी सीज़न चेंज हो रहा होता है, एलर्जीज जब बढ़ती हैं तो मुझे नाक का बहुत इश्यू होता है, तो सांस नहीं आ रहा होता। अगर, और बाय द वे, वैसे भी अगर रात को आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से खुले नाक के साथ ब्रीथ करें, तो केमिकल्स को यूज़ करने से बेहतर है कि इसेंशियल ऑयल्स या अरोमाथेरेपी का इस्तेमाल करें। सो सबसे पहले आई टॉक अबाउट ब्रीथ इजी ऑयल। अब इसको इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, बल्कि तीनों का ही बता देती हूँ। ब्रीद इजी ऑयल जो है वो आपको सांस लेने में हेल्प करता है, अगर आपको कोई इश्यूज हैं। एस्थमेटिक लोगों के लिए भी ये बड़ा बाय द वे यूजफुल चीज़ है। स्लीप एड ऑयल, जिनको रात को सोने में इश्यू होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमने वो वाले इसेंशियल ऑयल्स कंबाइन किए हैं कि बहुत ही एक, जिस तरह इसके अंदर हमने सैंडलवुड भी डाला है, इसमें हमने संदल का एसेंशियल ऑयल भी डाला है, इसमें हमने लैवेंडर भी डाला है, पेपरमिंट भी डाला है, इसकी जो कॉम्बिनेशन है ये एक ऐसी रिलैक्सेशन और ऐसी रिलैक्सिंग मोड क्रिएट कर देती है कि आप आराम से सो जाते हैं। उसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ सोना ही चाह रहा हो, कभी कभी इंसान सिर्फ रिलैक्स करना चाहता है। आप अगर योगा कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप अपसेट हुए हैं, हाइपर हुए हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा हमारा ये रिलैक्सेशन ऑयल आप यूज़ कर लेते हैं तो आपको उसका बेनिफिट होगा। तो यूज़ करने के वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज हैं इन तीनों को। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो डायरेक्टली अपने पाम पे लगा के इस तरह करके थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्मेल करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने पिलो के ऊपर, जो हमारा तकिया होता है, उसके ऊपर एक एक ड्रॉप लगा दें। अब प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि ऑयल है, तो हमें ये होता है कि हमारा वो कोई स्टेन ना कर दे हमारे पिलोज को, तो इसका ऑप्शन ये है कि छोटा सा कोई हैंड टावल या कोई ऐसा कपड़ा या चीज़, उसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स लगा के आपने अपने बेड साइड टेबल पर रख दिए या अपने करीब रख दिए। बच्चों के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। अच्छा, जिन लोगों के पास इस किस्म का, फॉर एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं इसेंशियल ऑयल बर्नर होता है, वो है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मैं भी सोच रही हूँ कि जल्द इसको लॉन्च कर दूँ। मेरा तरीका इसको यूज़ करने का ये है कि मैं इस तरह करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, नीचे इसके डलती है टी लाइट या किसी भी किस्म की कैंडल, तो आपने अपना ये दिया जलाया, ठीक है, और इसको इसके नीचे आपने रख दिया। अब आप जिस भी मोड में हैं, आपने रिलैक्स करना है, आपने फॉर एग्जांपल सोना है, नींद नहीं आ रही और आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं, या आपको जनरली ब्रीदिंग में शोर है, अभी फॉर एग्जांपल हम क्योंकि गप लगा रहे हैं तो रिलैक्सेशन ऑयल, इसको लिया और इसके हमने लिटरली 3 to 5 ड्रॉप्स जो हैं आप इसमें डाल दिए, और फिर आपने कुछ ही देर के बाद आपको उसकी बहुत ही अच्छी सी रिलैक्सिंग सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और आपके पूरे कमरे में ये स्मेल फैल जाएगी। सो आप नहीं बल्कि आपके सारे घर वाले इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक और ऑप्शन ये, अगर आपके पास सॉल्ट लैम्प है, राइट, और सॉल्ट लैम्प में इस तरह ये ऑप्शन है इसमें कोई भी इसेंशियल ऑयल डालने का, तो इसमें भी आप इसेंशियल ऑयल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्लीप एड का आपने ऑयल यूज़ करना है, तो फ्यू ड्रॉप्स आपने इसमें डायरेक्टली स्लीप एड के डाल दिए और सॉल्ट लैम्प भी आपका जलता रहा, साथ साथ ये भी हो गया। बाय द वे, सॉल्ट लैम्प के अंदर ब्रीद इजी ऑयल डाल के उसको यूटिलाइज करना तो बहुत ही अच्छा तरीका है। ये भी बहुत जल्द हमारा, ये भी आने वाले हैं मार्केट में नूर होम के नाम से, नूर होम के अंडर ये भी हमारे सॉल्ट लैम्प्स भी आएंगे। एंड देन डिफ्यूज़र्स होते हैं कि मतलब यूजली एक बॉटल टाइप होती है, उसके अंदर लिक्विड होता है, उसके अंदर आपने एसेंशियल ऑयल डाले हुए होते हैं और उसके अंदर आप स्टिक्स डाल देते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिससे पूरा कमरा जो है कॉन्स्टेंटली महकता रहता है। तो रिलैक्सेशन वाला या स्लीप एड वाला या ब्रीद इजी वाला भी आप इस तरह करके ऑयल के थोड़ा सा, मतलब यू नो, एक पूरा प्रॉपर बल्कि आप भर के डाल दें उसके अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें, उसके अंदर स्टिक्स डाल दें, तो आपके कमरे में बड़ी अच्छी स्मेल आ जाएगी। मैं डेफिनेटली ये अपने तीन कॉम्बिनेशन वाले जो ऑयल्स हैं एरोमाथेरेपी के, इनको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। ब्रीद इजी, स्लीप एड एंड रिलैक्सेशन, तीनों चीज़ें जिनकी आई थिंक आजकल हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तीनों को ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा और मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। www.noorbyjugan.com पर आप ऑर्डर कर सकते हैं।